أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आज गिलगित में बहुत सारी रैलियां चल रही हैं और वो लोग जो एक दूसरे के मुखालिफ हैं वो भी मिलकर बाकायदगी के साथ एक साथ रैली चला रहे हैं बाकायदगी से। तो मैंने पता किया क्या है, तो ये पता चला कि ये सब मिलके उबूरी सूबे के हक़ में और यहाँ पर बाज़ारों में चौराहों में सब जगह ये बैनर्स लगाए हैं। ये हमारे लिए गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कोई नेक शगुन नहीं है कि जनाब 70 साल बाद भी हम फिर तालियां बजाने के लिए हमें नामज़द किया जाए उबूरी के नाम से। ये गिलगित बल्तिस्तान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, हमारी बका नहीं है, हमारी नस्लों के लिए ये चीज़ कारामत नहीं है। तो असल में होना ये चाहिए कि इलेक्शन होने दें, इलेक्शन के बाद और यहाँ से डिमांड जाए और देखें ना, वहाँ से अगर इमरान खान बैठता है टेबल पर, उसको प्राइम मिनिस्टर बैठता है, तो यहाँ से टेबल पर कौन बैठे। हमें एक मजाज अथॉरिटी की ज़रूरत है, बाकायदगी के साथ एक इमरानी मुआहदा होना चाहिए बराबरी की बुनियाद पे। देखिए ये इलेक्शन दुनिया मॉनिटर कर रही है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को, और एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि हम 1947 की उस पोजीशन में आए हैं। तो हमें बेदार होकर फैसले करने की ज़रूरत है कि कोई हमें अपनी जागीर न समझे, कोई हमें फुटबॉल न समझे। उबूरी सूबा नामंजूर है, उबूरी सूबा नामंजूर, इमरानी मुआहदा होना चाहिए और उस इमरानी माहदे के बाद जो तय होगा वो सबको मंजूर होगा। ये उबूरी शबूरी मादूरी गिलगित बल्तिस्तान के लोग बिल्कुल मंजूर नहीं करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।